जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव 2020 के मद्देनजर दौलामिट्टी जिला परिषद कट तथा लावा पंचायत समिति गण के लिए शिवसेना की ओर से शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिला परिषद के लिए दिवाकर पाटनी, पंचायत समिति लावा के लता गोरे और दौलामिट्टी पंचायत समिति के लिए चंद्र प्रकाश चुनारकर आदि उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े है। उम्मीदवारों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस चुनाव में चुनकर आएंगे, साथ ही वे इस परिसर के विकास के लिए कटिबद्ध है। दौलामिट्टी गट क्रमांक 37, यहाँ से मैं दिवाकर पाटने जिला परिषद उम्मीदवार पिछले 5-6 दिनों से दौलामिट्टी सर्कल में मेरे साथ पंचायत समिति के सदस्य श्री चंद्र प्रकाश चुनारकर और लाहवा सर्कल से पंचायत समिति के सदस्य उम्मीदवार लता पुरुषोत्तम गोरे, इनके साथ में पिछले 5-6 दिनों से हम लोग घर 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 में प्रमुख प्रमुख लोगों के यहाँ विजिट दिया, भेंट दी। पिछले 2012 से लेकर 2019 तक जिला परिषद में किसी और की सरकार थी, यहाँ पर और किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं सदस्य था, लेकिन देखने में आया ये 5-6 दिन के अंदर में जितने भी उन लोगों ने वादे किया था कि पिछले 5 सालों में हजारों करोड़ रुपए के हम लोगों ने काम किया, लेकिन देखने में आया कि जहाँ गटर लाइन है वहाँ सेप्टिक टैंक नहीं, वहाँ सेप्टिक टैंक है गटर लाइन नहीं, गटर लाइन है तो वहाँ पानी ऐसा ही बह रहा है नाले के अंदर में। कई सुविधाएं इस डेवलपमेंटी सर्कल में दिखाई नहीं दिया। पार्टी से लेके ग्रामीण क्षेत्र में नागपुर तक जाने के लिए जो बस चल रही थी एसटी महामंडल की, वो कई दिनों से बंद पड़ी हुई है। युवाओं के लिए एक ग्रीन जिम की जरूरत थी, एथलेटिक ट्रैक की जरूरत थी, वहाँ तक कभी दिखाई दी नहीं। कभी कभी लाइट तो दिखते हैं लेकिन रात के खंभे दिखाई दे रहे हैं लेकिन लाइट बंद दिखाई दे रहे हैं, कई प्रॉब्लम आ रहे। उसके बाद में डवलामिठी हेटी गांव के पास में जो वार्ड नंबर जहाँ पर ज़्यादातर पशुपालन करने वाले लोग रहते, भैंस पालन करने वाले लोग रहते, गर्मी के समय पे उनको पानी का प्रॉब्लम आता। जो गटर लाइन का पानी जाता, गटर का पानी जाता, वही छोटा सा बांध बांधा हुआ है और गर्मी के समय पे उनको गंदा पानी पीना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी हालत ख़राब होती है, आरोग्य खराब होता। मेरे दृष्टि से बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं अपनी सुविधा के लिए, अपने आने वाले दिनों के लिए ये निश्चित ही ये सुविधा लोगों को प्रदान करूंगा, एथलेटिक ट्रैक प्रदान करूंगा। ये हमारे दौलामिट्टी के 8वें महल के ऊपर में एक साप्ताहिक बाजार भरता, व्यवस्था नहीं है, ऑटो की व्यवस्था बराबर नहीं है, दूर दूर की महिलाएं वहाँ बाजार के लिए आते रहती, लेकिन वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था रहती नहीं है। गर्मी के समय पर भी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। स्मशान घाट इस एरिया के अंदर में बहुत दूर दूर तक है, 2-3 स्मशान घाट की व्यवस्था करने की मेरा इरादा है। उसके बाद में यहाँ पर पीएससी की व्यवस्था नहीं, आरोग्य संस्था की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर धामना के अंदर में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता। ये सुविधा मैं आने वाले दिनों में करूँगा। शिवसेना की सरकार आज महाराष्ट्र में है, मुख्यमंत्री उद्धव जी ये हमारे पार्टी के है, आदित्य ठाकरे जी को भी कल ही कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है, उन्होंने कल शपथ ली हुई है। उनका ध्यान अभी आने वाले दिनों में पूर्व विदर्भ की तरफ निश्चित होने वाला है, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करने के लिए आज से 6 महीना पहले ही उन्होंने कहा था कि तैयारी करो। स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंदर में शिवसेना का दबदबा निर्माण होना चाहिए। इस वजह से हम लोग पूरे रामटेक लोकसभा क्षेत्र में पंचायत समिति हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, हम पूरे ताकत से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखा गया कि जब हम लोग घर घर के अंदर में जा रहे थे तो विरोधी पार्टी जो अभी उनके विरोध में, जिन्होंने 5 साल तक काम किया, उनके विरोध के अंदर में लोगों का बहुत विरोध है। पहली बात तो 5 साल जो उन्होंने काम किया, हजारों करोड़ों रुपये के काम किया करके बता रहे, लेकिन काम अक्षरशः दिखते नहीं है वहाँ पर। इसलिए शिवसेना को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट इस एरिया में मिला। शिवसेना का तालुका प्रमुख संजय नाथ ने इस एरिया से हमने यहाँ जो हम उम्मीदवार दिए हैं, हमारे उम्मीदवार सक्षम हैं, जो जनता के काम करने के लायक है। और हमारे जो तीनों कैंडिडेट हैं यहाँ के जिला परिषद के उम्मीदवार और 2 पंचायत समिति के उम्मीदवार, जिला परिषद के उम्मीदवार हैं हमारे दिवाकर भौजी पाटने और पंचायत समिति के दौलामिट्टी सर्कल के उम्मीदवार है चंद्र का प्रकाश चुनारकर और उधर है लता जी गोरे, सौ लता गोरे।
ये कैंडिडेट हमारे ऐसे है कि जनता का, इसके पहले भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, काम किए हुए है, अच्छे उम्मीदवार है, और जो हम लोग वादे करते वो कितने परसेंट सच्चे करते, ये आपने अभी एक साल जो हमारी एक महीने में जो सरकार आई हुई है, एक महीने में जो इसके पहले जो वादे किए थे सरकार ने, हमारे सीएम ने, वो पूरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वही कोशिश हम लोग हमारे स्थानीय लेवल पे करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सरकार के मार्फत, हमारे पक्ष के मार्फत यहाँ पे इस एरिया में विकास कार्य के लिए पैसा लाने की और फंड लाने की कोशिश करेंगे। हमारे बाजू के सर्कल से भी उम्मीदवार है, हर्षा नरेश मसराम और कृष्णा जी वड़े, इनका भी फॉर्म है जो कल स्टे होने वाला है कोर्ट से। तो ये हमारे सभी उम्मीदवार आज की डेट में यहाँ से जो हमारे खड़े हैं, हमारे नागपुर ग्रामीण से सब सक्षम उम्मीदवार है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले मेहनती लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएंगे और हमारे उम्मीदवार 100% चुन के आएंगे, इतनी हमको गारंटी है।